वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। नमस्कार, मैं हूँ रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट.टीवी। बात अभी थानेदार द्वारा फरियादों को चंदन का टीका लगाने व गंगा जल देने तक सीमित था। इस विधि द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि इससे मन और मस्तिष्क ठंडा रहता है, जिस कारण मेरठ के नौचंदी थाना इलाके में अपराध कम हो रहे हैं। इस दावे में कितना दमखम है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अब बात इससे आगे बढ़ गई है। दूसरी पत्नी व बेटे के हाथों पीटे गए अधीर ने जब नौचंदी थानेदार से गुहार लगाई तो बात गायत्री मंत्र पर आकर टिक गई। थानेदार ने गायत्री मंत्र देते हुए ताकीद किया कि यदि हम सभी इसका 108 बार विधिवत जाप करेंगे तो सभी समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी। समस्या दूर नहीं हुई तो अधीर से फिर मारपीट की गई तो थानेदार ने तर्क दिया कि अगर ऐसा हुआ है तो तुम लोगों ने मंत्र का उच्चारण ठीक से नहीं किया होगा, जाओ दोबारा जाप करो। सवाल खड़ा हो गया है कि अनूठी पहल करने वाले थानेदार पुलिस मैनुअल, IPC और CRPC के तहत कार्रवाई करेंगे अथवा भभूत देने वाले बाबाओं की तर्ज पर। इस मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता का कहना है कि थानेदार को अब थानेदारी छोड़ थाना परिसर में बने मंदिर का पुजारी बन जाना चाहिए। इस आशय की शिकायत आज IG से भी की गई। IG ने पीड़ित का मेडिकल कराकर रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश SSP को दिए हैं। आइए पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ के नौचंदी थाने को, जहां गंगा जल व चंदन का टीका लगाते हुए थानेदार प्रेम चंद्र शर्मा लोगों का स्वागत कर रहे हैं। इस नामोच्चरण रूप और संसार के सकल लोग नष्ट हो जाते हैं, यह मैं कहता हूँ। जो इस त्यौहार को मनाते हैं उसको गिफ्ट उपहार स्वरूप माँ गंगा का पवित्र गंगा जल, ये सब चीज। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै चे आज दोपहर IG प्रवीण कुमार से अधिवक्ता राम कुमार शर्मा के साथ हेमंत गोयल ने मुलाकात कर अपनी परेशानी बताई। बाद में मीडिया से वार्ता करते हुए हेमंत गोयल ने यह कहा। क्या नाम है आपका? हेमंत गोयल। क्या मामला है? मामला साहब, मेरी जबरदस्ती शादी करा दी गई थी और उसके बाद जो है ना मेरे को रोज मारा पीटा जा रहा, मेरे से पैसे हट लिए गए और उसके बाद भी जब पुलिस से मैंने हेल्प लेने की कोशिश की, तीसरी बार जब पैसे मांगे गए तो पुलिस से हेल्प लेने की कोशिश की थी तो मुझे गायत्री मंत्र ये सब बताया गया। सब मैं घर से बाहर कार्यवाही यही चाहता हूँ। सबसे पहले तो मेरा घर मेरे कब्जे में है, मैं घर से बाहर मारा मारा फिर रहा हूँ, मेरे घर पे कब्जा करके बैठ गए और पैसों की डिमांड हो रही है। पैसे भी लिए गए आपसे? हाँ, पैसे भी लिए गए, बताया मैं आपको। अब जो तथाकथित भाई बनी हुई हैं उन्होंने और उसके बेटे ने, नौशंदी थाना अध्यक्ष ने यही कहा कि आप शांति की जरूरत है, शांति के पाठ करें, सब ठीक हो जाएगा। तीनों लोगों के लिए ये कह के उन्होंने भेज दिया हमें, लेकिन फिर हमारे साथ तो अब भी यही हो रहा है साहब। SSP साहब से क्या चाहते हैं? बस इस पे उचित कार्यवाही हो, मेरे को अपना इंसाफ मिले और मेरा घर अपने आप कब्जे में है। वही अधिवक्ता राम कुमार शर्मा का यह कहना था। देखिए, हेमंत गोयल है, मेरे साथ में खड़े हैं ये हेमंत गोयल जी। तो इनका जो तथाकथित पत्नी है जो जबरन शादी इनसे करी गई और इनका उस पत्नी का जो एक पहले से एक पुत्र 19 साल का, वो मिलकर उनको पीटते हैं, जिसकी शिकायत लेके ये तीन बार थाने जाते हैं, नौचंदी थाने में जाते हैं। नौचंदी थाना अध्यक्ष इनको कहते हैं कि रिपोर्ट तो दर्ज इनकी होती नहीं है, हमें अब तक ये पता रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है, और जबरन का समझौता कराते हैं और कहते हैं भगवान का ध्यान करो, गायत्री मंत्र का पाठ करो और जो है सब ठीक हो जाएगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, 3 दिन शांति रखो, उसके बाद पाठ करना शुरू करो। एक दिन चले जाते हैं तब ये बात बता के भेज देते हैं। जब दूसरी बार जाते हैं, दूसरी बार भी पिटाई होती है, यानी कि एक बार जब पिटाई होती है तो 22 लाख रुपए लिए जाते हैं भाई, 22 लाख 50 हज़ार रुपये लिए जाते हैं जब पहली बार पिटाई होती है। जब दूसरी बार पिटाई होती है 2 लाख रुपए लिए जाते हैं। दोनों बार ये अपना जो है कोशिश करते हैं बचने की, पैसे ना दिए जाए। फिर इनकी 19 तारीख की शाम को इनके लोग पिटाई करते हैं, जिसकी शिकायत लेकर थाने जाते हैं, जहाँ पर इनको कहा जाता है कि गायत्री मंत्र का पाठ करो, शांति रखो,
आपकी जो है सब समस्या का समाधान हो जाएगा, और जबरन एक समझौता नामा करा कर इनको भेज दिया जाता है। उसके बाद फिर अगले दिन सुबह इनकी पिटाई फिर होती है, फिर इनकी सूजी इनकी आँख वाँख सब सूझ जाती है, फोटोग्राफ दिखा देना भाई, फोटोग्राफ दिखाओ, है ना, फिर पीटे पिटाई होती है, फिर ये थाने जाते हैं। तो थानेदार साहब जो है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए इसको अपने हाथों से गुरु मंत्र लिखते हैं, ये क्या लिखते हैं इसमें, संपूर्ण समाधान, समस्या का संपूर्ण समाधान। गुरुजी हो गए अब, ये थाने में रामराज आ चुका है, गुरुजी हो चुके हैं अब। आईपीसी सीआरपीसी पुलिस मैनुअल से या भारतीय संविधान से कानून पुलिसिंग नहीं चलेगी, अब जो धार्मिक ग्रंथों के आधार पे पुलिसिंग होगी मेरठ की नौचंदी थाने की। इसमें कहते हैं 3 दिन शांति कुंज हरिद्वार प्रवास करना है, 3 दिन तो शांति कुंज हरिद्वार भेज देते हैं इनको, ठीक। माँ गायत्री मंत्र की दीक्षा लेनी है, अब माँ गायत्री मंत्र की इनको दीक्षा लेनी है इनको, ठीक है। उसके बाद 108 बार माँ की माला रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करनी है और गायत्री मंत्र के उपासक बनना, ये कहते हैं इनको। लगातार इस प्रकार की वाहियात बातें करके मजाक बना रहे हैं पूरे सिस्टम का, और ऐसे वाहियात लोगों को थाना प्रभारी बना के बैठा हुआ है। तो मेरा सवाल सीधा ये है पुलिस से, यहाँ के अधिकारियों से, कि ऐसे लोगों को क्यों थाना प्रभारी बना रखा है, जो अपनी समस्या का समाधान करने वहाँ जा रहा है, पीड़ित जा रहा है, उसको आप धर्म की बातें सिखाकर मुकदमे पंजीकृत ना करके, अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई ना करके, आप उन्हीं के खिलाफ जो है उन्हीं के उन्हें का मानसिक उत्पीड़न आप लोग यहाँ कर रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि क्या ये रामराज आ चुका है, क्या वास्तविक रामराज यही है। मेरी डिमांड है आप लोगों के माध्यम से कि अगर ये रामराज है तो ऐसे पुलिस अधिकारी को या थाना प्रभारी को या अध्यक्ष को थाना परिसर मंदिर होंगे उन मंदिर का प्रभारी बना देना चाहिए। पहले मैं आईजी ऑफिस गया था, आईजी साहब ने कार्रवाई लिखा है, इसकी जो है विभागीय कार्रवाई के लिए भी लिखा गया है, विभागीय कार्रवाई के साथ साथ जो है इसमें मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश करे गए हैं। लेकिन अब ये बताया जा रहा है हमारे पहुंचने से पहले ही इसमें पुलिस ने कहीं खेला कर दिया है ना, और वो रिपोर्ट दर्ज कर रही है। तो रिपोर्ट किस सेक्शन में करी है, क्या करी, हमने कोई प्रार्थना पत्र दिया ही नहीं। जब हमने प्रार्थना पत्र नहीं दिया है तो रिपोर्ट किसने दर्ज कर दी, हमें तो पता ही नहीं कुछ भी, हमसे मात्र समझौता नामा कराया गया, हम तो रिपोर्ट कराने आए हैं। 307 का मुकदमा है, 386 का मुकदमा है, 406 का मुकदमा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कोरोना की दोबारा से वापसी हो रही है, सेफ रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।